ओम शांति। आपका इंटरव्यू होने जा रहा है आज कल परसों। आपको मानसिक रूप से उसकी बहुत सुंदर तैयारी करनी है। प्राय कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या होता है कि वो अगर एक दो बार इंटरव्यू में फेलियर हो गए हैं तो उनके मन में एक निराशा रहती है। उनके मन में ऐसे विचार उठते रहते हैं कि आजकल तो पैसे वालों का जमाना है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, मेरे पास तो किसी बड़े आदमी की अप्रोच भी नहीं है, कोई मिनिस्टर एमएलए एमपी भी मेरे पीछे नहीं है, तो शायद मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे विचार कई बार कई योग्य व्यक्तियों के मन में भी उभरने लगते हैं। आपको इनसे सावधान रहना है। हमने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे जो अपनी एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट रहे, लेकिन नौकरी पाने में उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। उनके मन में एक विशेष तरह का भय छुपा हुआ था, तो जब भी वो इंटरव्यू देने जाते थे नर्वसनेस उनके अंदर आ जाती थी। पहले ही ऐसे विचार आ जाते थे कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत युवाओं के सुंदर सुंदर अनुभव भी हैं, उन्हीं के आधार से जैसे युवकों ने इंटरव्यू के दौरान सफलता को प्राप्त किया, उनके अनुभव के आधार से मैं आपको कुछ सुंदर युक्तियाँ, कुछ सुंदर तरीके बताना चाहूँगा। पहले तो आप बहुत निर्भय हो जाएं, बिल्कुल अपने अंदर से किसी भी तरह के विचार निकाल दें कि सिलेक्शन होगा या नहीं। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार कर लें, सिलेक्शन हो या ना हो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं निश्चिंत होकर इंटरव्यू में जाऊंगा, एक चीज। दूसरी चीज आपकी अपनी प्रिपरेशन के बारे में। आप कभी भी ऐसे विचार न करें कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज मन में डर पैदा करती है, पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे। तो कई लोग इंटरव्यू देते समय बहुत ही डर जाते हैं, उनको अगर उत्तर आता भी है तो वो उसको ठीक रीति से पुटअप नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको पुनः एक सबकॉन्शियस माइंड की विधि बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारे युवकों से कैंडिडेट से कराई है, और जैसा मैंने देखा है हर व्यक्ति को तुरंत सफलता प्राप्त हुई है। वो ये है, आपको मालूम हो कि जब सवेरे हम उठते हैं थोड़ा जल्दी सूर्य उदय होने से पूर्व हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले 10 मिनट तक फुल्ली एक्टिव रहता है। उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है। इस पावर को आप प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। सवेरे आँख खुलते ही आप अपने अंदर ये विचार करें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल एक्सेप्ट करें इसको, फील करें, आई एम नॉट वीक, आई एम वेरी पावरफुल। इसको हम अपनी लैंग्वेज में एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं, गॉड इज ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस गुड फीलिंग में आकर आप दूसरा संकल्प दें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलनी ही है। अपने संकल्प को पावरफुल कर दें, आज के इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। बाकी सब तरह के निगेटिव विचार अपने मन से हटा दें कि मैंने पैसा नहीं दिया, मेरे पास किसी की अप्रोच लगवाने के लिए नहीं है। इन सभी विचारों को कि पता नहीं क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब विचार अपने मन से हटाकर एक बहुत सुंदर विचार ले लें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के इंटरव्यू में मेरे से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर मुझे आता है, और मेरा सिलेक्शन निश्चित है। इन संकल्पों को सवेरे कम से कम 5 बार आप अपने मन में रिपीट कर लें, ताकि अंतर्मन की गहराई तक चले जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके अंदर जो फियर बसा हुआ था वो समाप्त हो जाए, और आप पूरी तरह से निर्भय होकर इंटरव्यू को फेस करेंगे तो निश्चित रूप से मनचाहा रिजल्ट आपके सामने आएगा। मेरे पास ऐसे
सैकड़ों युवकों के अनुभव हैं जो इंटरव्यू से घबराए हुए थे, और मैंने जब उनको ये विधि बताई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि सचमुच वही प्रश्न पूछे गए जो उनको आते थे। और बहुतों के साथ तो ये हुआ, साथ साथ ही उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। इसलिए आप निराश न हो, अपने भाग्य के प्रति निराश न हो, ये न सोचते रहे मेरा तो भाग्य खराब है, मुझे तो पता नहीं कब जॉब मिलेगी, कब मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। बिल्कुल विश्वास कर लें, भगवान की दुआएं और आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे इंटरव्यू को तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ, आप अपने अगले इंटरव्यू में संपूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।